हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज है 17 मई और 17 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और पी डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से आप लोगों को करना होगा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड और वहां से जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको आप जो है डेली के करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है कि आ, आपको सफल होना है इस बार जो पक्का लेना है तो आप लोगों के लिए कुछ कोर्स लॉन्च किए गए जिसमें सेवनटी टू एट्टी परसेंट ऑफ चल रहा है आप उन मैथ्स कोर्सेज के साथ जुड़कर अपने सिलेक्शन को पक्का भी कर सकते हैं तो चलो अब शुरुआत करते हैं और उससे पहले आज का मोटिवेशन ऑफ द डे कुछ ही देर की खामोशी है जी हाँ दोस्तों कुछ ही देर की खामोशी है फिर कानों में सो रहेगा तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है अरे तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है हमारा तो दौर आएगा ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आसपास के पड़ोसी ताना देते हैं उनको बता देना कि तुम्हारा तो आज सिर्फ वक्त है हमारा तो दौर आएगा, बस छोड़ना नहीं है लगे रहो सफलता जरूर मिलेगी चलो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किस राज्य या संघ प्रशासित प्रदेश में अनुच्छेद 311 का प्रयोग हुआ है जी हां दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य या संघ प्रशासित प्रदेश में आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया गया अब ये आर्टिकल 311 है क्या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 311 के तहत क्या होता है किसी कर्मचारी कोई जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है गवर्नमेंट कर्मचारी जो होता है उसको पद से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या उसकी रैंक को कम कर दी जाती है यह है आर्टिकल 311, 311 और इसका कहां पर हुआ? पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया जम्मू कश्मीर में किसने इसका इस्तेमाल किया जम्मू कश्मीर के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा इनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया यहां के एक टीचर है कुपवाड़ा सेक्टर में जो कुपवाड़ा जिला है जम्मू कश्मीर का वहां पर एक सरकारी टीचर है उनको आतंकवादी गतिविधियों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल किया गया अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है तो दोस्तों आपको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जम्मू कश्मीर कब एक यूनियन टेरिटरी बना चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं थोड़ा सा इजी कर दे, तो 31 अक्टूबर को बना था लेकिन ये 31 अक्टूबर कौन सा 2019 या 2020 कम, कमेंट करके बताइएगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना अब आपको याद होगा कश्मीर का इतिहास आपको किसमें पढ़ने को मिलता है एक बुक है जिसका नाम है क्या क्या नाम है राज तरंगीनी बुक है है बुक इसके अंदर आप लोगों को कश्मीर का इतिहास पढ़ने को मिलेगा राज तरंगीनी। और इसको लिखा किसने है कलहन. कलहन ने कौन सा वो पदार्थ है जिसको क्या दिया गया था जी टैग दिया गया था तो, के था। तो केसर कश्मीर 1999 का एक्ट है जो किसी जगह की दस सालों के लिए क्या पहचान बन जाता है पहचान बन जाता है तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे तो जम्मू कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे उनका नाम था मुर्मू जीसी सी मुर्मू जो इस समय भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कैग है वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर के आखिरी अंतिम राज्यपाल कौन थे तो अंतिम राज्यपाल सत्यमाल मलिक थे जो बाद में गोवा के बन गए थे और इस समय उनको कहां पर ट्रांसफर कर कर दिया गया कमेंट करके बता सकते हो बताओ चलो ये आप लोग बताएंगे कि सत्यपाल मलिक इस समय किस राज्य के गवर्नर है गोवा के गोवा के के अभी हाल ही में बन बन गए गए सुनील सुनील अरोरा अरोरा कौन पहले एडिशनल चार्ज रहा कुछ दिनों तक भगत सिंह कोशियारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनके पास फिर उसके बाद जो है अब बन गए सुनील अरोरा और से पहले भगत सिंह कोशियारी से पहले यहां के गवर्नर हुआ करते थे सत्यपाल मलिक तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों पहले क्वेश्चन से और आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है इस सीरीज को जो हमारी ये दिल वाली क्लास है इसको और आप लोगों ने ढेर सारा लाइक किया इस वीडियो को शेयर भी किया और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आप ऐसा ही करते रहेंगे और दोस्तों इसका टाइम जल्दी ही फिक्स कर दिया जाएगा थोड़ा तबियत खराब होने की वजह से दो तीन दिनों से आप देख रहे होंगे क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है लेकिन क्लास मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये क्लास डेली छह बजे मिलने लगेगा ये मेरी आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को बस दो तीन दिन का बात है जैसे मैं एकदम ठीक हो जाता हूं हर रोज आप लोगों को सुबह छह बजे ये क्लास मिलने लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप की नाम से तमिलनाडु में किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई तो जाइलोफिस नाम से एक प्रजाति खोजी गई है और ये जो प्रजाति है जाइलोफिस दीप की ये प्रजाति है एक सांप की किसकी सांप की आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे जी हां इस तरीके का सांप है जिसको इंद्रधनुष इसका जो एक तरीके से कलर है वो इंद्रधनुष के समान है सात रंगों का अलग अलग सात रंग जो आपको और ऊपर से इसकी जो स्किन है वो थोड़ा सा सिल्क कलर की जो है आपको स्किन देखने को मिलेगी और जायलोफिस दीपकी इसको नाम दिया गया है क्यों दिया गया है क्योंकि दीपक विरप्पन जो कि एक सरीसरफ वैज्ञानिक है दीपक विरप्पन उनके नाम पर इसका नाम जाइलोफिस दीपकी रखा गया है इस सांप का और ये कहां पर मिला है ये मिला है आप लोगों को तमिलनाडु में कहां पर तमिलनाडु अब बात अगर की जाए एक मछली थी जिसका नाम था सिस्टूरा हिरण्य केसी क्या नाम था सिस्टूरा हिरण्य केसी भी एक नई प्रजाति देखने को मिली और यह महाराष्ट्र में मिली थी कहां पर महाराष्ट्र में और इसकी खोज किसने की थी तेजस ठाकरे ने किसने तेजस ठाकरे नाम याद रखेगा महाराष्ट्र में मिली एक मछली जिसका नाम था सिस्टूरा हिरण्य केसी क्या नाम था सिस्टूरा हिरण्य केसी वहीं पर अगर मैं बात करूं अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था एम एस 1407 ये किसकी प्रजाति है एम ए सी एस तो ये जो है एक नई किस्म है सोयाबीन की किसकी सोयाबीन की उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तरीके से उसका अपग्रेडेड वर्जन आप बोल सकते हैं सोयाबीन का ठीक है मोटा और उसका उत्पादन बढ़ेगा 1407, ये प्रजाति है किसकी सोयाबीन की आपको याद होगा उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर क्या देखी गई थी उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तराखंड के हिमालय जो है पर्वत वहां पर देखी गई थी गोल्डन बर्ड विंग तितली की सबसे बड़ी प्रजाति आपको मिली थी कहां पर गोल्डन वर्ड विंग जिसका नाम है उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर खोला गया है उत्तराखंड के अंदर ही स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी खोला गया तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल जो विश्व अस्थमा दिवस है ये हम मनाते हैं मई माह के पहले मंगलवार को कब मई माह के मई मही महीने के पहले मंगलवार को जो है ये मनाया जाता है इस बार ये चार तारीख को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस ठीक है और इस बार इसका जो तो थीम रहा वो था अस्थमा संबंधित भ्रांतियों से लोगों को जागरूक करना क्योंकि अस्थमा को लेकर बहुत सारी गलत चीजें भी समाज में फैली हुई है उनको दूर करना उनको लोगों से उनको जागरूक करना उस बारे में ये रहा इस बार का थीम तो याद रखिएगा हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है अस्थमा दिवस जो कि इस बार चार मई को था वहीं पर अगर आपसे पूछे मई माह के दूसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है तो मई माह के दूसरे शनिवार को हमें हर साल मनाया जाता है क्या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे विश्व माइग्रेटरी पक्षी दिवस जो है ये मनाया जाता है हर साल मई माह के दूसरे शनिवार को और अप्रैल माह के आखिरी हफ्ते में जो है मनाया जाता है टीकाकरण अभियान क्या मनाया जाता है अप्रैल माह के आखिरी हफ्ता पूरा जो है टीकाकरण अभियान के तौर पर उसको जाना जाता है भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत कब से हुई एक मई से भारत के अंदर जो है टीकाकरण की शुरुआत की गई थी चीजें याद रहेगी क्वेश्चन हाँ की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है गो कर कर तो फर्स्ट कर कर क्यों किया है नाम बदलने का रीजन क्या है क्योंकि आपको याद होगा यूएलसीए अब आप पूछेंगे यूएलसीए क्या है यूएलसीए है अल्ट्रा लोकोस एयरलाइन में अपग्रेड करने के लिए ताकि लोगों को बहुत ही कम दरों पर बहुत ही कम कीमत पर क्या की जा सके उनको हवाई यात्रा कराई जा सके तो इसके चलते अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं यूएलसीए में अल्ट्रा लो कोस्ट एयरलाइन में और इसीलिए गो एयरलाइन ने अपना नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया है अगर मैं गो एयरलाइन की बात करता हूं इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को मुंबई में मिलेगा कहां पर हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और इसके जो अभी सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है कौशिक खोना कौशिक खोना जो है

नाम याद रखेगा, बलजीत कौर जो कि हिमाचल प्रदेश की है और वहीं पर दूसरा नाम है गुनबाला शर्मा क्या नाम है गुनबाला शर्मा जो कि राजस्थान की है इन दोनों ने एक साथ इसको फतेह किया है और यह पहली भारतीय महिला बन गई है जो माउंट पुमोरी को फतेह किया है जिन्होंने अब कुछ दिनों पहले चर्चा में था एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या बन गए एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करने वाले हैं कामी रीता शेरपा याद रखेगा कामी रीता शेरपा पेपर में जरूर पूछा जाएगा पच्चीस बार चढ़ाई करने वाले कौन बन गए हैं कामी रीता शेरपा ठीक है वहीं पर कुछ दिनों पहले एक और नाम चर्चा में था जिसका नाम है विराट चंद्र क्या नाम था विराट चंद्र ये कौन है महज सात साल के हैं और सबसे युवा भारतीय बने जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्लिमजारो को फतह किया जो कि तंजानिया में है माउंट क्लिमेंजारो कहां पर है तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और सात साल की उम्र में माउंट तंजानिया माउंट क्लिमेंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय बने विराट चंद्र वहीं पर आपको एक और नाम याद आ रहा होगा प्रियंका मोहिते का किसका ये क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है का इस याद रखिएगा प्रियंका मोहिते अब प्रियंका मोहिते कौन है माउंट अर्नापुरना को फतेह करने वाली पहली महिला बनी थी प्रियंका मोहिते माउंट भी आप लोगों को नेपाल में ही मिलेगा वहीं पर अगर आपसे पूछ ले पहली भारतीय महिला जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी कमेंट करके बता सकते हैं बछेंद्री पाल बिल्कुल सही जवाब है और एडमंड हिलेरी कौन थे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे एडमंड हिलेरी जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ चढ़ाई की थी कौन थे और कहां से थे कमेंट करके बताओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मेहतारी दुलार योजना का संबंध किस राज्य से है किस राज्य में महतारी दुलार से योजना को शुरू किया गया तो करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है महतारी दुलार योजना को शुरू किया गया है दरअसल कोविड के चलते वहां पर जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई है उन बच्चों को एक से आठवीं तक बच्चों को हर महीने पांच सौ रुपए दिए जाएंगे और नौ से बारहवीं तक के बच्चों को एक हजार रुपए दिए जाएंगे और साथ ही साथ अगर किसी बच्चों ने अपने घर में कमाने वाले सदस्य को खो दिया है तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा यह है महतारी दुलार योजना जिसकी शुरुआत कहां पर की गई छत्तीसगढ़ के अंदर की गई है छत्तीसगढ़ ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ था पढ़ाई तुम्हारे द्वार कहां पर शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ योजना पढ़ाई तुम्हारे द्वार ठीक है ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया था कहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको क्या मिलेगी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर ही नए रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर है नया रायपुर और इसका नाम बदलकर कर दिया गया अटल नगर क्या कर दिया गया अटल नगर तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी याद रखेंगे क्लियर है चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरी नाम में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया तो सूरी नाम में अगले भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया एस बालचंद्रन कौन एस बालचंद्रन जो है ये सूरी नाम में अगले भारतीय राजदूत होंगे एस बालचंद्रन वहीं पर अगर मैं सूर्य नाम की बात करता हूं ये जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है साउथ अमेरिका का और परम रिबो इसका कैपिटल है परम रिबो और चंद चंदोखी जो है यहां के प्रेसिडेंट है चंद चंदोखी याद रखेगा सी संतोखी वहीं पर आप दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे अरुण कुमार सिंह कौन है अरुण कुमार सिंह कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी मेरी ध्यान से तो आप लोगों को पता होगा कौन है अरुण कुमार सिंह तो भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड के नए सीएमडी नियुक्त किए गए थे अरुण कुमार सिंह उज्जवला सिंघानिया की अगर मैं बात करूं उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की की फिक्की का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अड़तीसवी प्रेजिडेंट के तौर पर नियुक्त की गई है सिंघानिया राजेश उज्ज्वलाई कोट के अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने राजेश नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैं देख रहा हूं आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें किस भारतीय को विटली अवार्ड दो से सम्मानित किया गया तो विटली इसको ही एक तरीके से ग्रीन ओउकर अवार्ड भी दिया जाता बोला जाता है ग्रीन ओउकर अवार्ड किसको बोला जाता है ग्रीन इसको ही बोला जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड और इससे सम्मानित किया गया है किसको न्यूक्लियर फॉर्म को किसको न्यूक्लू नुक्लू फॉर्म आप नाम याद रख सकते हैं न्यूक्लू फॉर्म ये व्यक्ति है नागालैंड से है और इनको ही विटली अवार्ड दो से सम्मानित किया गया है अब आपको याद होगा क्यों क्योंकि अमर फाल्कन अमर नाम फाल्कन नाम का जो पक्षी है उसको बचाने के लिए इनको जो है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये पहले भारतीय बन गए इस पुरस्कार को जीतने वाले न्यूक्लियो नागालैंड से है और अमूर फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है अमूर फाल्कन ऑफ सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये किसको बोला जाता है नागालैंड को ही अमूर फाल्कन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है ये सारी चीजें आप याद रखेंगे वहीं पर पहला ऑप्शन है सकुंदला थिलस्टेड चर्चा में थी वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है शकुंदला थिलस्टैड ने डॉक्टर ताहिरा क्यूबीदीन कौन है अभी आपको याद होगा अरब का एक तरीके से शेख जायद नोबेल पुरस्कार आप बोल सकते हैं शेख जायद अवार्ड बोल सकते हैं अरेबिक ट्रांसलेशन करने के लिए इन्होंने जीता था सुस्मिता लंका एशिया का परिवर्तन एशिया का परिवर्तन पुरस्कार जीता है इन्होंने पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सुस्मिता लंका ने जीता है श्रीलंका की है ये है ना सुस्मिता लंका नाम याद रहेगा चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेर कोटला किस राज्य का तेईसवा जिला बन गया है तो मलेर कोटला जो है ये पंजाब का तेईसवा जिला होगा संगरूर जिले से अलग करके इसको बनाया गया है मलेर कोटला जो है मुस्लिम आबादी में मुस्लिम बहुल आबादी का है और इसको अलग कर दिया गया है संगरूर से और इसको लेकर जो है आपको याद होगा अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी इनके बीच में काफी कहासुनी भी हुई है ट्विटर पे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको बोला है कि आप अपने uh, काम से काम रखे अपने राज्य पर ध्यान दें क्योंकि योगी ने बोला था कि आप एक तरीके से जो कांग्रेस uh, की है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उस पर काम कर रहे हो यह बोला था किसने योगी ने क्योंकि एक तरीके से पहले ये सिक्कों का हुआ करता था अब यहां पर मुस्लिम राज है और इन्होंने इसको अलग कर दिया तो ये है चलो वो छोड़ो लेकिन ये याद रखा पंजाब के अंदर अब टोटल तेईस जिले हो गए हैं और तेईसवा जिला बना है, मलेर कोटला किससे अलग होकर संगरूर जिले से होकर वहीं पर आपको याद है तमिलनाडु तमिलनाडु में तमिलनाडु की अगर हम बात करें तमिलनाडु के अंदर जो है अभी अड़तीसवां जिला बना था महिला दुतुथरई कौन सा बना था अड़तीसवा तो तमिलनाडु के अंदर कितने जिले हैं अड़तीस जिले हैं और अड़तीसवा जिला था महिला दुतु वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कर्नाटक की ठीक है कर्नाटक जिसका कैपिटल आप लोगों को बेंगलुरु में मिलेगा ठीक है कर्नाटक का इकतीसवां जिला कौन सा बन गया था कर्नाटक के अंदर इकतीस जिले हैं वो बना था विजयनगर कौन सा विजयनगर ये सारी चीजें आप याद रखेंगे तो पंजाब का तेईसवा जिला बन गया है मलेरकोटला तमिलनाडु का अड़तीसवां जिला महिला दुतु और कर्नाटक का विजयनगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा यह है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे बताइए कहां पर होगी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप दूसरा कजाकिस्तान में क्या हुआ था उज्बेकिस्तान में क्या हुआ पोलैंड में क्या हुआ और संयुक्त अरब अमीरात में क्या होगा यह सारी चीजें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को लगा कैसा आप क्या चाहते हैं कि डेली आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखा जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू जय हिंद जय भारत